अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज है संडे और ये जो बाहर बिल्ला है ये रोज़ आता है यहाँ पे, क्योंकि मैं इसे कभी कभी खाना दे देती हूँ और मेरा बिल्ला यहाँ पे वेट करता है। सो अभी बज रहे हैं शाम के 5, संडे का दिन है, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। संडे वाले दिन तो वैसे भी सब कुछ लेट स्टार्ट होता है। सो मैंने अपने सारे काम वाम कर लिए हैं, किचन वगैरह सारा मैंने साफ़ कर लिया है एंड घर की सफाई भी हो गई है। घर में सिर्फ अम्मी और बहनें और मैं हूँ। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि मैंने कल से कॉफ़ी नहीं पी है तो मेरा दिमाग जो है वो उल्टा चल रहा है। सो आई एम गोइंग टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी विद फ्रेंड्स। सो मैंने ये कपड़े प्रेस किए हैं, ये जो है अम्मी लेकर आई थी और स्टिच भी अम्मी ने किए हैं। लाइक कुर्ती स्टाइल है, उसके साथ ये ट्राउज़र है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ जो है अपने मेकअप प्रोडक्ट शेयर करूँ जो मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। आप लोगों को बताऊँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है। ऑयली स्किन के लिए मैं क्या प्रेफर करती हूँ, पिगमेंटेड है, ब्रेकआउट्स होते हैं मेरी स्किन के लिए स्किन पे, तो उनके लिए जो है वो क्या प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे सूट करते हैं इस वेदर में, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़, सबसे पहले एक्चुअली मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो मैं कोई भी किस्म का मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती। वैसे तो मॉइस्चराइज़र मस्ट होता है यूज़। आप जो है किसी भी मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़ करना लाजमी होता है स्किन को, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो मैं जो है वो अच्छा सा प्राइमर यूज़ करती हूँ। ये ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर है जो कि मुझे सूट करता है बहुत ज़्यादा। ये मेरे पोर्स वगैरह जो है वो बंद कर देता है, इससे स्किन काफ़ी स्मूथ और मतलब स्किन का टेक्सचर अच्छा रहता है। और इसके ऊपर अच्छे से जो है वो बेस, अगर फाउंडेशन लगा रहे हो, बेस फेस पाउडर या कोई किसी भी किस्म का बेस, तो ये जो है प्राइमर जो है वो मैं यूज़ करती हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का। और इसके अलावा मैं जो है ये एक्चुअली है मार्लेक्स का बीबी क्रीम। आप क्रीम बोल दें इसे या आप फाउंडेशन बोलें, बेस बोलें, कुछ भी, ये वाटर बेस है, ठीक है। इसे वाटर करके पैनकेक बोलते हैं इसे, हाँ, ऑयल फ्री पैनकेक। मैं ऑयल फ्री प्रोडक्ट यूज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो इसे आप ऐसे ड्राई भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप स्पंज गीला करके भी यूज़ करते हो। मैं जो है अगर मुझे लाइट से मीडियम कवरेज चाहिए होती है तो मैं ड्राई यूज़ करती हूँ, अगर मुझे मीडियम से हाई कवरेज चाहिए होती तो जो है मैं पानी गीला करके स्पंज को देन फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो इसकी कवरेज और लास्टिंग बहुत अच्छी है। मेरी ऑयली स्किन जैसी है उस पर बहुत कम चीज़ें सूट करती हैं, तो ये बहुत काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मेरे लिए। इवन मेरी बहनें भी यूज़ करती हैं ये। और इसके अलावा ये जो है सेम ब्रांड का मार्लेक्स का ऑयल फ्री जो है ये क्रीम पफ है। आप इसे एज अ फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और अगर कुछ लाइट सा आपको यूज़ करना है लाइक स्पंज आप गीला करके वैसे प्राइमर लगा के एंड देन आप ये यूज़ करो, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं पहले जो है वो ये यूज़ करती हूँ लाइट सा, देन उसके ऊपर जो है वो मैं ये लगाती हूँ। बाद बारी आती है, ये मेरा जो है छोटा सा मेकअप पाउच है, तो इसमें मैं जो है ऐसी गो टू चीज़ें रखती हूँ, लाइक फ़ौरन से निकाल के ये अपने बैग में डाल देती हूँ या मेरे कबर्ड में रहता है ये। तो आईब्रो के लिए जो है वो मैं यूज़ करती हूँ ये पेंसिल ग्रे कलर की, इसमें ब्राउन पेंसिल भी है मेरे पास, वो अभी मिल नहीं रही, कहाँ पता नहीं कहाँ रखी है मैंने। इंग्लोट की जो है ये मैं इंग्लॉट की जो है ये मैं ग्रे पेंसिल यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छी पेंसिल है आईब्रो के लिए। मैं आईब्रो अपनी जो है ना इससे सेट करती हूँ। ये हो गया एंड देन उसके बाद बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश जो है मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे DMGM का ये ब्लश है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके, मुझे बहुत पसंद है ये ब्लश, मैं यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा मस्कारा जो है मैं ये यूज़ करती हूँ, मस्कारा ट्विस्ट अप, ये
इसमें जो है ये जो है ना ट्विस्ट हो जाता है यहाँ से। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप इसे ट्विस्ट कर लें, ठीक है। इससे फिर उस ब्रश को एप्लीकेटर को अप्लाई करें। अगर आपको लॉन्ग लैशेस चाहिए तो फिर दोबारा ट्विस्ट कर लें, तो वो पतला सा हो जाएगा, दैन फिर आप एप्लीकेटर अप्लाई करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड देन हल्का सा जो है वो ब्राउन्जर है लेकिन इसमें ग्लिटर भी है, तो ये काफ़ी अच्छा टच देता है। ये मैं अपनी आँखों में यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये ब्राउन्जर आप इससे हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ब्लश भी यूज़ करते हो, ब्लश के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। मैं आँखों पे यूज़ करती हूँ। ये है मैक का। और इसके अलावा ये जो है ये लिप ग्लॉस है इंग्लॉट का, और ये लिप बाम है ये मैं यूज़ करती हूँ, एंड ये ब्रश है मेरा नॉर्मल। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लाइक मेरे जो है ना वो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं। ये मतलब मेरा सारा मेकअप नहीं है। और ये जो है ये मेरा ब्रो ड्रामा, ये ब्रो आईब्रो मस्कारा है मैबिलिन का। ये बहुत अच्छा लगता है। इससे जो है आप अपने आईब्रो सेट करके देन उसके बाद मैं ये मस्कारा लगाती हूँ, आईब्रो मस्कारा ब्रो ड्रामा। इससे मेरे आईब्रो पूरा दिन सेट रहते हैं, टस से मस नहीं होते हैं। अगर मैं फेस भी वॉश कर लूँ, जब तक मैं जो है वाइप्स वगैरह यूज़ ना कर लूँ या जो है मेकअप रिमूवर यूज़ ना कर लूँ, वो आईब्रो मेरे टस से मस नहीं होते, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये काजल है जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। ये पेंसिल है इंग्लॉट की, डार्क शेड है, बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, सो ये भी बहुत अच्छा कलर है। एंड ये जो है मैक का आईलाइनर है, ये भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप जो है वो मेरे साथ ये मसला है, अगर मैंने लाइनर लगा लेती तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। अगर मैं डार्क लिपस्टिक लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, तो मैं चीज़ें बहुत लाइट रखती हूँ। अगर मैं ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ अपनी आँखों पर तो मैं बहुत हैवी मस्कारा लगा लेती हूँ, तो फिर मुझे जो है वो लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं ब्राउज़र यूज़ नहीं करती तो मैं लाइनर लगा के हल्का सा मस्कारा लगा लेती हूँ, तो वो गुड टू गो हो जाता है। और ये है स्पंज, और ये स्पंज है जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाले स्पंज से मेकअप करना ना नहीं समझ में आता है। सो या ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं कुछ थोड़ी सी हल्की पुल्की जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने डेली रूटीन में, नॉट शादी वगैरह में। उसके लिए तो मेरा कबर्ड जो है ये वाला, इसका एक सेक्शन पूरा भरा पड़ा हुआ है। उस वो दूसरे जो है वो बिल्कुल मतलब हाई कवरेज, फुल कवरेज इस तरह का मेकअप है, मस्कारा और आई शेड ग्लिटर्स एंड ऑल, तो वो जो है बहुत कम यूज़ होते हैं। ये मेरे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डेली रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ और मैं लेती रहती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ऑयली स्किन के लिए, आप लोगों के लिए क्या बेस्ट रहता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और रिकमेंड करना चाहते हो मेरे मेकअप पाउच में जो होना चाहिए लाजमी, तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिएगा। सो गाइज़, हम लोग हाईवे पे, यहाँ एक सज्जाद रेस्टोरेंट नाम है वहाँ पर आए हुए हैं। प्लान तो वैसे था कॉफ़ी का, बट खाने का मूड बन गया। सो एंजॉय द वीडियो।